लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके नए कार्यकाल के 5 साल कैसे होंगे? काशी के ज्योतिषी ने पीएम मोदी की कुंडली का विश्लेषण किया है और इसके आधार पर भविष्यवाणियां की हैं। आइए जानते हैं क्या कहती है ये भविष्यवाणियां। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि पीएम मोदी के इस कार्यकाल में देश आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत होगा। उनके अनुसार पीएम मोदी की कुंडली में धनेश बृहस्पति चौथे स्थान पर और लाभेश बुध 10वें स्थान पर बैठे हैं। इस गुरु और बुध की युति के कारण अगले 5 सालों में भारत आर्थिक रूप से काफी मजबूत बनेगा और पूरे विश्व में एक बड़े आर्थिक ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगा। सिर्फ आर्थिक मजबूती ही नहीं बल्कि विकास के काम भी तेजी से होंगे। रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनता की सहूलियत के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। रोजगार की स्थिति भी अच्छी होगी और विदेशों में भी भारत का डंका बजेगा। आर्थिक दृष्टि से ये सबसे सशक्त जो है देश कही जाएगी और तीसरी सबसे सशक्त देश कही जाएगी। कारण है, इस विषय का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में धनेश बृहस्पति चतुर्थ स्थान में है और लाभेश बुध जो है दशम स्थान में है। तो धनेश और लाभेश का संबंध होने की वजह से यह अपने राष्ट्र के लिए आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिकल दृष्टि से, इन इकोनॉमिक कंडीशन के रूप में बहुत बड़े रूप में ये हमारे देश में लेकर आएंगे और धन से ऐसी समस्या समाप्त होगी और आर्थिक दृष्टि से प्रगति को प्राप्त। सुरक्षा के मामले में भी देश को राहत मिलेगी। पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार पीएम मोदी की कुंडली में शत्रु भाव का स्वामी मंगल लग्न में चंद्रमा के साथ बैठा है और शनि 10वें स्थान पर है। ऐसे में पिछले 10 सालों की तरह इन 5 सालों में भी आतंकवादी गतिविधियां देश से दूर रहेंगी। सबसे बड़ी विघ्न बाधा है शत्रुओं की, आतंकवाद की, टेररिज्म की है, टेररिस्ट की है, जिसको विगत कई वर्षों तक भारत ने झेला, लेकिन 2014 से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के आने की वजह से इस प्रकार की विघ्न बाधाओं से भारत बचा हुआ है। अगर इस पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास की कुंडली को अगर देखा जाए तो शत्रु भाव का स्वामी मंगल जो है लग्न में चंद्रमा के साथ बैठा है और शनि के द्वारा दृष्ट है। एक चीज मैं बता दें कि सांपातिक काल की कुंडली अगर देखी जाए तो नरेंद्र भाई की दशम स्थान में शनि पाया जाता है और बुध जो है एकादश स्थान में। लेकिन यदि हम कर्ण ग्रंथ के द्वारा अगर इनकी कुंडली का निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि शनि एकादश भाव में है और आपके बुध जो है दशम भाव में है। तो शनि की दृष्टि जो है मंगल पर पड़ने के कारण शत्रुओं का शमन होगा, आतंकी गतिविधियां समाप्त होंगी। तो भारतवासियों, तैयार हो जाइए एक और सुनहरे कार्यकाल के लिए। पीएम मोदी के नए कार्यकाल में देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव और उन्नति की उम्मीदें हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए हर ताजा अपडेट। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।